हमारे मीडिया बंधु बलिभांति परिचित होंगे कि पिछले कल ही म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से एक स्पेशल हाउस जो है वो कॉल किया गया था हमारे बिल्डिंग बायलॉज को लेके। आपको बलिभांति परिचित होंगे कि शायद 2 महीने पहले एक हमारा हाउस हुआ था जिसमें हमारे जो नए बिल्डिंग बायलॉज जो आए हुए थे उसमें हर एक कॉरपोरेटर अपने संबंधित एरिया के प्रति ऐसी प्रपोज करे, उन्होंने जो समस्याएं वो फेस कर रहे थे अपने अपने वार्ड्स में या ओवरऑल पूरे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एरिया में कि क्या क्या दिक्कतें उन ऑनरेबल कॉरपोरेटर्स को आ रही थी कि हमारे मैप जो थे वो पूरी तरह से पास नहीं हो पा रहे थे और कहीं ना कहीं करप्शन को बढ़ावा मिल रहा था। इन सब समस्याओं को मद्देनज़र रखते हुए पूरे कॉरपोरेटर्स ने जो हमारे बिल्डिंग बायलॉज हमारे हाउसिंग बोर्ड के द्वारा बने गए, हाउसिंग डिपार्टमेंट के माध्यम से बने गए, उसमें क्या क्या अमेंडमेंट्स हम प्रपोज कर सकते थे पूरे अपने म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एरिया के लिए, वो सब ने प्रयास किया और स्पेशली प्रयास उन लोगों ने किया जो कमेटी मेंबर्स थे। हमारे ऑनरेबल कॉरपोरेटर वार्ड नंबर 23 से हमारे पवन सिंह जी, हमारे वार्ड नंबर 3 से हमारे सुनीत रैना, वार्ड नंबर 9 से हमारे सुनीत रैना जी इस कमेटी के मेंबर रहे, जिस कमेटी को हेड जो है वो डेप्यूटी मेयर पूर्णिमा शर्मा जी ने किया। हमारे एक और कमेटी मेंबर थे हमारे रजिंदर शर्मा जी, वो भी इस कमेटी के मेंबर थे, और 3 टेक्निकल पर्सन्स हमारे साथ जिन्होंने हमें हेल्प आउट किया। एक हमारे चीफ जो एसटीपी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन अनिल रैना जी, हमारे चीफ आर्किटेक्ट हमारे विशाल अब्रोल जी, हरदीप जी, तीनों ने तो हमारी हेल्प करी ही करी, लेकिन हमारा भी प्रयास रहा कि हमारे जितने भी शहर के जो स्टेक होल्डर से, चाहे हमारा चैम्बर ऑफ कॉमर्स हो, कॉमन पीपल की वॉइस हो, चाहे हमें एसोसिएशन ऑफ आर्किटेक्ट्स हो या हमारे रिटायर्ड कमिश्नर्स हो, हमने सबको अपने सहयोगी मानते हुए उनके जो सजेशंस थे उन सबको इनकॉर्पोरेट करते हुए कल हमने 22 से 24 ऐसे पॉइंट जो हमने तत्काल अमेंड करके उसको एक लीफ हमने ज्वाइन कराया है हमारी एग्जिस्टेड गजट के साथ, ताकि हमारे पूरे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एरिया में रहने वाले लोगों को कहीं कुछ राहत मिल सके। उनमें से चुनिंदा कुछ पॉइंट्स आपके मध्य में रखाऊंगी जो मेन है। एक हमने हमारे ऑनरेबल कॉरपोरेटर्स ने प्रपोज किया था कंपाउंडिंग अप टू 10% परमिसिबल की जाए, उसमें हमने 10 के बियॉन्ड हमने 10% हमने परमिट 15% उन्होंने प्रपोज किया था, जिसमें से हमने जो कंसीडर करी है वो 10% करी है। लेबर असेस चार्जेस पहले जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन लेती थी वो आज वो हमने डेफर कर दी है, जो लेबर असेस इन फ्यूचर है वो जो संबंधित हमारी लेबर डिपार्टमेंट है वो उसको लेगा। वैल्यू कैप्चर फंड टू बी रिड्यूस्ड एक प्रपोजल ये भी आया था, उसमें जो हमारा डिसीजन मेकिंग हुआ था एज पर नोटिफिकेशन फॉर द चेंज ऑफ लैंड यूज फी हैज़ बीन इशूड बाय द गवर्नमेंट विच इज़ टू बी पेड बाय द प्लॉट ऑनर। इट इज़ recommended that value captured fund will be additional burden on the general public and can be considered in due course of time. Same is the case with the building permission of the constructions where ground floor is existing at a site in violation. उसको भी हमने consider किया गया कि अगर existed हमारी ground floor में अगर violation होती है तो हम उसको कंपाउंड करेंगे, कंपाउंड करके हमने फर्दर उसकी जो एडिशन अल्ट्रेशन होगी उसमें हम सहयोग करेंगे ताकि करप्शन को कहीं ना कहीं डेफर किया जाए। लैंड विथ रिलैक्सेशन फॉर बिल्ट अप कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑल एरिया, इसको भी हमने कंसीडर किया गया। लेन विथ स्पेशली जो फोकस था हमारा कि लेन विथ रिलैक्सेशन फॉर ऑल वार्ड्स अंडर हाउसिंग फॉर ऑल कैटेगरीज, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत या प्रधानमंत्री जी के द्वारा स्वचालित कोई भी ऐसी स्कीम जिसके बेनिफिशरी मैक्सिमम टू मैक्सिमम हम बना पाएं, इसके लिए हमने रोड विड्थ को रिलैक्स किया है
पूरे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन एरिया में, अप्रूवल ऑफ कलोनीज विद रिलैक्सेशन इफ द एग्जिस्टिंग अप्रोच रोड विड्थ इज लेस देन द रिक्वायर्ड, अगर वो भी हमने कंसिडर किया गया है। एज पर ULB 2021 अप्रोच रोड फॉर डिजाइनिंग ए रेजिडेंशियल कलोनी अप टू द प्लाट साइज ऑफ 1 hectare इज 9 meters, वेयर इज द मिनिमम रोड विड्थ प्रिस्क्राइब बाई PWD इज 7.5 meters फॉर टू वे मूवमेंट। इट इज रिकमेंडेड बाय द कमेटी दैट मिनिमम अप्रोच रोड रिक्वायर्ड फॉर डिजाइनिंग।